नमस्कार, मैं हेमंत वसावत आज बताना चाहूँगा, जिसका डर था आज वही हो चुका है। मैंने पहले भी कई बार अलर्ट किया था कि तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब आतंकवादी जितने भी आतंकवादी हैं, भले वो ISI हो, तालिबान हो या पाकिस्तान हो, या इसको चलाने वाला जो बहुत बड़ा गैंग लीडर जो है वो चाइना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो डर था वही हुआ। आपने देखा होगा काबुल के अंदर किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे, सब अपने अपने देश भाग रहे थे, गांव जा रहे थे। माने यानी कि इतनी भारी संख्या के अंदर अमेरिकी फोर्स ने काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके अंदर अमेरिकी फोर्स जो है पूरी तरह अलर्ट थी, और बाहर में तालिबानियों के जो आतंकी थे वो गोलियां चलाते थे और बाहर में कंट्रोल कर रहे थे। तो ये लोग जो कंट्रोल कर रहे थे, तो इसी बीच में मैं बताना चाहूँगा, कल रात में एक ऐसी घटना हुई, इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें 75 से ज़्यादा लोग मारे गए। अभी तक कितने मारे गए, कितने घायल हुए, अभी पूरी पुष्टि अभी हुई नहीं है। इतना बड़ा धमाका हुआ जिसमें कि अमेरिका के कई सैनिक मारे गए। जॉन बाइडन, देखिए मैं बताना चाहूँगा, बाइडन ने तो ये कह दिया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसने तो ये कह दिया कि हम इसका बदला लेंगे, परंतु उन्हें डेडलाइन मिल चुकी है। तो डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त की है। तो 31 अगस्त अब 5-6 दिन बाकी है। अब 5-6 दिन के अंदर उनको पूरा का पूरा अमेरिका की पूरी सेना सहित पूरे लोगों को निकाल कर अमेरिका जाना होगा। वहाँ पर एक भी अमेरिकन नहीं रहना चाहिए। और भी जो बाहर के हैं, जैसे इंडिया के हैं, अलग अलग कंट्री के जितने भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वगैरह वगैरह, जितने भी कंट्री के जो लोग हैं वो सबको निकलना होगा। तो तालिबान ने तो, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा कि तालिबान ने तो सबसे पहले ही कह दिया था कि जितने भी विदेशी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाए। तो तालिबानियों का तो अलर्ट पहले से ही था, मगर ISI ने ये सोचा, जो आपको याद होगा 9/11 की एक घटना जो अमेरिका में हुई थी 20 साल पहले, आज वही घटना सामने आ गई है बुरी तरह, और आगे भी ऐसे धमाका होंगे 5-7 दिन में, कोई गारंटी नहीं है। कितना बड़ा धमाका जिसमें कि 75 से ज़्यादा लोग मारे गए, और अमेरिका ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, किसी देश ने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ बोला है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन वो लोग सबसे बड़ी कड़ी ये भूल जाते हैं कि जो तालिबानी आतंकवादी है, मैंने फिर से कहा कि तालिबानी आतंक जो ISI के जो लोग थे वो एयरपोर्ट में घुसे कैसे, काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसे कैसे। उन्होंने सबसे पहले जो बाहर में चक्रव्यूह था, जो तालिबानी चेक कर रहे थे और अंदर जाने दिया जा रहा था, यानी उन्होंने ये कह दिया था कि जो अफगानी है वो देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो तालिबानी है, माने तालिबानी जो फोर्स थी, जो आतंकी थी, वो बाहर चेक कर रही थी, उसकी देखरेख में सबसे पहले ISI के आतंकियों को घुसाया गया। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए 60 गार्ड थी, उसके बाद जो अमेरिकन फोर्स थी वो भी ढंग से चेक नहीं कर पाई, मैंने सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक रही अंदर में, क्योंकि बाहर से तो प्लानिंग थी ये बात कि ISI के जो लोग हैं वो तो घुसेंगे हथियार लेके, बम लेके और AK-47 लेके। तो ये जो फिक्सिंग मैच हुआ था, इसी फिक्सिंग मैच में 75 से ज़्यादा लोग मारे गए। देखिए, तो ये सोची समझी साजिश है, ये जो चाइना जो इनका आका है, ये सब चाइना और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और जो जिसने ISI ने जिम्मेदारी ली है वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, और पाकिस्तान तो ऐसे भी आतंक का गढ़ है, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है आतंकवादियों से में ही मतलब तब्दील है, आतंक का मेन गढ़ जो है पाकिस्तान है पूरे विश्व में। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोचने और समझने की बात है। अब आइए हमारे भारत में कई मुस्लिम समुदाय ने तालिबानियों का विरोध किया है, भयंकर तरीके से उनको इंडिया लेके आने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन कई मुस्लिम समुदाय ने इसका समर्थन भी किया है, उन्होंने खुलकर समर्थन किया है और ये कहा है कि अफगानिस्तानियों को भी जो है इंडिया में बुलाया जाए और उन्हें यहाँ पर शरण दी जाए। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो, और मोदी सरकार ने भी कहा है कि हिंदू और सिख यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बाद उन्होंने सीधा कहा है कि
अफगानिस्तानी भी जो है वो भारत में आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मोदी सरकार बिना सोचे समझे जिस तरीके से आतंकवाद को शरण दे रहा है, पहले ही भारत कई बार आतंकियों के चपेट में आ चुका है और आ भी रहा है, और अब खुला आमंत्रण जो दिया जा रहा है आतंकवादियों को, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक रहेगा, क्योंकि भारत भी आतंक का नंगा खेल खेला जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि आतंकवादियों को शरण देने वाला जो देश है, आज कई जगह से सवाल भी पैदा हो गए और कई देशों ने तो मना कर दिया, दीवारें खींच दी गई कि भाई हम आतंकवादियों को, तालिबानी हो या अफगानिस्तानी हो, हम लोग मुस्लिम समुदाय को अपने देश में एंट्री नहीं करने देंगे। तो भारत को भी अब इसी तरीके का निर्णय लेना चाहिए और तत्काल लेना चाहिए, जो आ गए हैं उन्हें वापस विदा करना चाहिए और जो आने की सोच रहे हैं उन्हें ना कर देना चाहिए। इसमें संकोच शर्म की बात नहीं है, क्योंकि भारत में शांति नहीं रहेगी, अशांति हो जाएगी, फिर बाद में CAA, NRC, MPR और का जो खेल खेला गया यहाँ पर आपने सबने देखा ही है, तो उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है, तो ये जो चीज़ें हैं फिर बाद में भारत को ही झेलना है। इसलिए भारत की जनता को जो है, और भारतीय जो है, वो खुला इसका विरोध करती है, और ये भी बताना चाहूँगा कि इसका विरोध ही नहीं है, उसको एंट्री बंद कर देनी चाहिए कोई भी हालत में, किसी भी तरीके से भारत में पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी, तालिबानी और ISI, अफगानिस्तानी, इस लोग की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। कोई भी मुस्लिम समुदाय यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, और भारत की जनता यही चाहती है ताकि भारत में शांति बनी रहे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी देखिए काबुल बॉर्डर पर, तो काबुल एयरपोर्ट में तो ये हुआ ही है, और भी ऐसी कई घटनाएं जो है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा आगे, मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैं अफगानिस्तानियों पर कई बार फोकस कर चुका हूँ, कई बार बताया हूँ, और ये बात आज सिद्ध हो गई है। मैंने पहली क्लिप में भी बताया था कि ये तालिबानी आतंकवादी जो है ISI के साथ मिले हुए हैं, शायद आपने देखा होगा, तो और पाकिस्तान और चाइना, मैंने ये पहले भी बताया था आपको, तो आज वही घटना हो गई। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सब एक ही चोर चमार चोटे हैं, और ये लोग जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में अशांति पैदा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो इन लोग के प्रति जो मन में, जो लोगों के दिल में जो दया है ना, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा, जो भारत में, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसको भारत में डर लगता है, भारत में ये वो लगता है, तो वो कृपया करके भारत छोड़ के चले जाए। जिनको भी डर लगता है, भाई वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन शाह हो, या कोई भी हो, वो ये भारत छोड़ के चला जाए, तुरंत चला जाए, और जाके अब तो भाई आपका तालिबान जो है वो खाली हो गया है, अब तो आपके रहने की खाने की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ तो बड़ी शांति है, आप लोग कृपया करके देश छोड़ के चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग देश छोड़ के जाएंगे तो अब आप लोग को वहाँ शांति मिलेगी, भारत में तो आपको डर लगता है, तो कृपया करके आप भारत से चले जाए, तुरंत चले जाए, जिसको भी डर लगता है, भले वो कोई भी हो। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत TV चैनल से आपको बताता हुआ, दिखाता हुआ आज, धन्यवाद।